प्रॉपर्टी अबाउट ऑटो वेरिएबल्स, मीन्स किसी भी फंक्शन से कभी भी ऑटो वेरिएबल्स का एड्रेस हिट नहीं कराना चाहिए, बिकॉज इट मे टेक्स अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम. रीड दिस फ्रॉम पॉइंट नोट पॉइंट. रिगार्डिंग दिस पॉइंट वी आर प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल कोड. नेवर रिटर्न एड्रेस ऑफ ऑटो वेरिएबल्स फ्रॉम अ फंक्शंस, इट मे टेक्स अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. In that case, we are defining two functions, two user defined function m1 or m2. m1 will be returning address of x. Here x is a auto variables. By default, x ka storage class follow as a auto. Means, is case mein m1 function se kis type ke variable ka address nahi ho raha currently? Address of auto variables. It may takes unexpected behavior. Means, agar kahin bhi calling place par, जैसे इस केस में पी के केस में बात करें तो पी के अंदर असाइन क्या कराया है, कॉल किया है m1, रिटर्न वैल्यू ऑफ m1. एज वी नो m1 विल बी रिटर्निंग एड्रेस ऑफ x, इसलिए स्टार पी के केस में पी किसको पॉइंट करा है, x को, तो स्टार पी से वैल्यू भी किसका डिस्प्ले होना चाहिए, x का. लेकिन चेक करें इस केस में एक्सपेक्टेड बिहेवियर किया. वन मोर थिंग्स, इस एग्जाम्पल में मैंने इंक्लूड किया कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स. अगर आप करेंटली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एप्लीकेबल नहीं, देन सेम एग्जाम्पल एक बार आप रिजोल्व कर सकते हो आफ्टर डिस्कसिंग पॉइंटर्स. फिर मैं पॉइंटर्स के केस में एक्सप्लेन करना चाहूँगा. देयर आर टू ऑपरेटर्स आर अवेलेबल रिलेटेड टू पॉइंटर्स, एम्परसेंट और स्टार. एम्परसेंट का वर्किंग क्या है, इट विल रिटर्न एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स. स्टार, स्टार के केस में स्टार हमेशा अप्लाई किसके लिए हुआ, एड्रेस के लिए. इट विल रिटर्न वैल्यू ऑफ गिवन एड्रेस और एसोसिएटेड एड्रेस. मीन्स अगर किसी लोकेशन का एड्रेस है ना, देन सेम लोकेशन को एक्सेस करने का वे क्या हुआ, स्टार. एंड फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, एज वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस लेक्चर्स में भी इन वेरिएबल्स, सपोज दैट इस लोकेशन का नेम एक्स है, वैल्यू क्या समथिंग 10, एड्रेस में भी 100. इसका एक और नेम क्या हुआ, स्टार 100. स्टार 100 इज सिमिलर टू एक्स. इन सेम प्रॉपर्टी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग पॉइंटर्स. फर्स्ट वन, इन दैट केस एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मेन फंक्शन से, मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म कराएंगे मेमोरी एलोकेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैक डायग्राम. एड्रेस मे बी 100, 98, 96, 94 एंड सो ऑन. फर्स्ट वन, कॉल क्या हो रहा है, मेन फंक्शन. मेन फंक्शन जब कॉल होगा, जैसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर एंटर होगा, देन इमीडिएटली परफॉर्म क्या कराएंगे, मेमोरी एलोकेशन फॉर बी पी. दिस इज द लोकल वेरिएबल ऑफ मेन, लोकल वेरिएबल ऑफ मेन. क्योंकि पी में करंटली कोई एड्रेस असाइन नहीं किया, इसलिए करंट कंसिडर करें एज अ गार्बेज लोकेशन और अननोन. नेक्स्ट वन, थर्ड केस. थर्ड केस में इस केस में कॉल क्या हो रहा है, m1. जैसे इस केस में m1 फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल सेंड करें इनसाइड बॉडी ऑफ m1, थर्ड सीक्वेंस फोर्थ देन फिफ्थ. फिफ्थ केस में परफॉर्म क्या हो रहा है, मेमोरी एलोकेशन ऑफ x, मीन्स स्टैक के टॉप में लोड क्या हो जाएगा, फंक्शन m1. दिस इज द मेन, दिस इज m1. m1 के रिस्पेक्ट में मेमोरी एलोकेट कराएंगे इट्स लोकल वेरिएबल x. एज वी नो, अगर इस लोकेशन का एड्रेस 98 है, तो उसका एक और नेम क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस केस, स्टार 98 सेम एज मे बी स्टार 100, मे बी स्टार 96 एंड सो ऑन. नेक्स्ट वन, एक्स में आसान क्या हो जाएगा, वैल्यू एज 10. आफ्टर दैट सिक्स केस, इससे रिटर्न क्या हो रहा है, एम परसेंट ऑफ एक्स. एम परसेंट जब एक्स के लिए अप्लाई करोगे, रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस ऑफ लोकेशन एक्स मीन्स 98. मीन्स एक वैल्यू सेंड का होगा इट्स कॉलिंग प्लेस. सिक्स्थ, देन सेवन्थ केस. सेवन्थ केस में इस कॉलिंग प्लेस पर m1 के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, रिटर्न वैल्यू मीन्स 98 एज एड्रेस. से एड्रेस इज असाइन टू द वेरिएबल पी. पी के केस में क्या असाइन हो जाएगा, 98. मीन्स पी उस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिस लोकेशन का एड्रेस 98 है. नाउ पी इज पॉइंटिंग 98 लोकेशन. सपोज दैट अगर आप किसी प्लेस पर पी यूज कर दो, पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, पी का वैल्यू. पी का वैल्यू का डायग्राम के अकॉर्डिंग 98. अगर मैं स्टार पी यूज करता हूँ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, 98. इट इज सिमिलर, स्टार पी सिमिलर टू स्टार 98. देन 98 मीन्स अगर स्टार ऑपरेटर किसी एड्रेस के लिए अप्लाई करें, देन रिटर्निंग क्या करेगा, वैल्यू ऑफ 98 लोकेशन. मीन्स इट विल रिटर्न वैल्यू ऑफ 98 लोकेशंस. नेक्स्ट वन, प्रिंट एफ. प्रिंट एफ में डिस्प्ले करा है स्टार पी. स्टार पी में पी के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, वैल्यू ऑफ पी विच इज 98. मीन्स इट इज सिमिलर टू स्टार 98. स्टार 98 में करेंटली क्या स्टोर है, 10. फाइनली इस प्लेस पर रिटर्न क्या हो जाएगा, 10. अगर 10 रिटर्न हुआ, तो उससे आउटपुट में डिस्प्ले भी क्या हुआ,
ऑल्सो 10. करेंटली स्टार्पी में क्या स्टोर है 10. देन नेक्स्ट टाइम 7th, 8th, 9th केस में अगेन कॉल किया M2. जब M2 फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल सेंड होगा इनसाइड M2. वन मोर थिंग्स, अगर कंट्रोल M1 के कॉल होने के पास कहा चुका है कॉलिंग प्लेस, देन परफॉर्म क्या हो चुका हुआ डी एलोकेशन ऑफ M1. दिस लोकेशन इज डी एलोकेटेड, लेकिन अभी भी इस प्लेस पर अवेलेबल क्या है वैल्यू है 10. मीन्स अभी भी स्टार पी का वैल्यू क्या है 10. मीन्स थ्रू आउट प्रोग्राम स्टार पी का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 10. लेकिन सेकेंड केस में जैसे M2 कॉल होगा देन M2 के अकॉर्डिंग 10th 11th केस परफॉर्म क्या होगा मेमोरी एलोकेशन ऑफ Y. इस सेम लोकेशन आसान किसके लिए हो जाएगा Y के लिए इस रिस्पेक्ट टू M2 फंक्शंस. देन Y के केस में आसान क्या हो रहा है H0. मीन्स Y के थ्रू सेम प्लेस अगेन रीइनिशियलाइज होगा Y 0. मीन्स अब स्टार 98 का वैल्यू क्या हो चुका है 0. मीन्स प्रीवियस केस में स्टार B का वैल्यू क्या था 10. नहीं इसके जस्ट बाद जब कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर वापस सेंड होगा M2 परफॉर्म क्या हुआ डी एलोकेशन ऑफ M2. M2 तो डी एलोकेट हो चुका लेकिन अभी भी इस प्लेस पर वैल्यू क्या स्टोर है 0. नेक्स्ट टाइम स्टार पी यूज करेंगे प्रिंट एप के थ्रू स्टार पी पी के प्लेस पर क्या आएगा 98. स्टार 98 में करंटली क्या स्टोर है 0. दैट्स वाई नेक्स्ट केस में डिस्प्ले क्या होगा वैल्यू है 0. इस दोनों केस में डिस्प्ले क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू है 10. लेकिन इस केस में ऑटो वैल्यूज का एड्रेस डिस्प्ले कर रहा था. ऑटो केस में मेन प्रॉब्लम क्या है जैसे ही किसी प्लेस से या फंक्शन से ऑटो वैल्यू का एड्रेस रिटर्न करा हुए इस केस में श्योर है जैसे रिटर्न के थ्रू कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ कॉलिंग प्लेस पर. अगर कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर सेंड हो रहा है इसके साथ साथ परफॉर्म क्या हो रहा है डी एलोकेशन फॉर दैट वेरिएबल. मींस आप अनरिजर्व्ड प्लेस का एड्रेस रिटर्न कराने के लिए ट्राई कर रहे हैं इस केस में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट होने के चांसेस हैं.